जो हमारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, नीचे से ग्रास रूट से ऊपर आएँ, ताकि उनको टैलेंट दें। कि उन्होंने करोड़ों रुपए के बेश इनामात का ऐलान किया है, जो अभी वो टीमों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो में आतिफ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में, और जहाँ मेरे साथ मौजूद है रावलपिंडी के डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी खैरियत सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। रावलपिंडी से टीमें जा रही हैं लाहौर में, जो खेल पंजाब के जो इवेंट हो रहा है, इसके बारे में क्या कुछ बताया हमें? इसके बारे में है कि हमारे मशीर बाब रियाज साहब और सेक्रेटरी साहब और डीजी साहब के बयान के मुताबिक हमारे पूरे पंजाब में इंटर डिवीजन गेम्स हो रही हैं। उसमें हॉकी और वॉलीबॉल की टीमें का पहले है 18 से 22 तारीख को, फिर इसके बाद होगा फुटबॉल और टेबल बैडमिंटन, इसके बाद है टेबल टेनिस और एथलेटिक है। पहले आज हमारी टीमें जा रही हैं, जो सेलेक्ट की हैं हमने ट्रायल्स की बिना पर पूरे डिवीजन से, तो करोड़ों रुपए के इनामात हैं। इसमें डिपार्टमेंट के भी हैं, दूसरे भी हैं, सारे लोगों ओपन ट्रायल हुए हैं। उसमें जो सेलेक्ट किए हैं हमारे मैनेजर साहब और कोच साहब ने, हॉकी फेडरेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सेशन का भी, दोनों का, कि उन्होंने हमें एक बेहतरीन टैलेंट दिया है को वहाँ जाके कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। इसी तरह वॉलीबॉल के भी जो हैं हमारे कोच हैं, उन्होंने शहजाद साहब ने सेलेक्ट किए हैं हमारे चारों ज़िला से, यानी कि रावलपिंडी, जेलम, चकवाल और अटक से, और तमाम इन चारों ज़िला की नुमाइंदगी की है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसरों ने भेजे भी हैं कि उन्हें ट्रायल करके हमने टीम सेलेक्ट की है। इंशाल्लाह आज हम रवाना हो रहे हैं इंटर डिवीजन में, जैसे पहले भी हमने इंशाल्लाह हमने टीम इवेंट में हम विनर रहे हैं 9 डिवीजन में से। हमारे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इसी तरह एथलेटिक में भी हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं। इंशाल्लाह हम हॉकी में भी और वॉलीबॉल में ही लेके आएंगे। माजी में पंजाब में बहुत कम ऐसे हुए हैं, वहाब रियाज साहब इस बार करा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे टैलेंट्स होना चाहिए, और स्पेशली हम यहाँ रावलपिंडी में इन चीज़ों को कब देखेंगे? कब ऐसा कुछ पॉसिबल है कि फ्यूचर कोई इवेंट्स यहाँ भी हो? बिल्कुल पॉसिबल है। वहाब रियाज साहब ख़ुद भी प्लेयर हैं और क्रिकेट के हैं, उनके शौक़ है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, नीचे से ग्रास रूट से ऊपर आएं, ताकि उनको टैलेंट दें। कि उन्होंने करोड़ों रुपए के बेश इनामात का ऐलान किया है, जो अभी वो टीमों को देंगे उधर करोड़ों रुपए के इनामात। इसके अलावा इनमें से जो खिलाड़ी सेलेक्ट होंगे वो पंजाब स्पोर्ट बोर्ड की टीम बनेगी, उसमें वो शामिल होंगे, उनके लिए भी उन्होंने कैटेगरियाँ बनाई हैं। इस जो खिलाड़ी उधर से छोड़ के आएगा या कोई होगा, उसको इनामात दिए जाएंगे, यानी कि मंथली वो वजीफा प्राइज देंगे 70,000, 50,000, 30,000 रुपये के वो उन्हें देंगे इस तरह के। सर सबसे लाजमी चीज़ की है कि यहाँ हॉकी भी शामिल है इस इवेंट में, तो स्पेशली ग्रास रूट लेवल से मैचेस यहाँ होंगे, प्लेयर्स देखेंगे, आप क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान हॉकी को अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे, अच्छे टैलेंट यहाँ से ग्रास रूट लेवल से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे जी, क्योंकि हम अभी स्कूलों में ऐसे भी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट है, हम वहाँ से भी लेते हैं, कॉलेजों में भी उन्होंने हमारे साथ बहुत तआवुन किया है, उनके भी खिलाड़ियों को ओपन में एसोसिएशन को भी साथ मिलाया है, डिस्ट्रिक्ट जो होती है हॉकी की एसोसिएशन, उनको भी साथ मिला के इधर हमने ये सिलेक्शन की है। और इंशाल्लाह गेम जो है, जिस तरह रावलपिंडी में ऑस्ट्रोग्राफ है, अटक में भी ऑस्ट्रोग्राफ है, थोड़ा थोड़ा बुर आ रहा है हॉकी में जो जवाल हुआ है, उसके बाद अभी हमारे वहाब रियाज साहब, डी जी साहब ने खसूसी दिलचस्पी ली है, तो हॉकी को ऊपर लेके जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आप कोई प्लेन से हॉकी से रिलेटेड, हॉकी से कोई आपने इनिशिएटिव लेना है आगे? हाँ जी, वो हमारे जो है शनाज शेख स्टेडियम है, वहाँ पे हॉकी का इनिशिएटिव है, अभी गर्ल्स का भी आज फिर स्टार्ट हुए हैं मैचेस, उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, गर्ल्स की भी टीमें, स्कूलों के भी उन्हें, और कॉलेजों के ओपन भी ट्रायल हमारे होते रहते हैं, ये मंथली क्या के वीकेंड पे भी हमारे वहाँ टूर्नामेंट जारी हैं। इसी तरह हम अटक में भी और चकवाल में और जेलम में भी शुरू कर रहे हैं। चंद दिन कबल मैंने ओलंपियन से कुछ इंटरव्यूज लिए, कुछ मैंने जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा था कि हम रावलपिंडी में गर्ल्स के लिए कुछ कराना चाहते हैं, अगर हमें सपोर्ट मिली गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट से, तो आप क्या समझते हैं कुछ सपोर्ट आपकी तरफ से उन्हें है? जी बिल्कुल है, हम ग्राउंड देते हैं, हमारे कोच हैं ओलंपियन हैं, इफ्तिखार साहब हैं हमारे, मैं खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ यासीन साहब का, जो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं हॉकी में, चाहे बॉयज़ की हो, चाहे जनरल पब्लिक की हो, चाहे गर्ल्स की हो। आज भी हमारे शनाज शेख में मैचेस हैं,
हायर एजुकेशन का वो भी मैचेस हो रहे हैं, उनका भी प्लान है कि इधर ही मैच कराएं शनाज शेख आखी स्टेडियम है। एस्ट्रोटर्फ की वजह से यहाँ ज़्यादा आखी को अबूर आएगा। हम एसोसिएशन वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो वीकली जो कराते रहते हैं, दो तीन दिन के बाद एक ना एक मैच शुरू होता रहता है। इसी तरह टैलेंट ऊपर आएगा ताकि और लोगों को भी मौका मिले।